हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आपके फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा हो कि एक FRP के लिए हमें फ़ोन का EMMC क्यों निकालना पड़ गया। तो हमारे हाथ में जो फ़ोन है हॉनर 6X फ़ोन है और इसमें हाई सिलिकॉन का CPU लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो अभी फ़ोन को हमने EDL मोड में कनेक्ट करा है और अभी अनलॉक टूल से इसका मैं FRP निकालने का कोशिश करूँगा। तो इस फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है और FRP लॉक, और इसका देख सकते हो कि जैसे हॉनर में मॉडल नहीं रहता, हमें CPU वाइज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जो हमारे पास फ़ोन है हॉनर 6S, इसका किरियन 655 CPU नंबर है और हमने वो सेलेक्ट करके जब FRP अनलॉक कर रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि क्या एरर आ रहा, फेल्ड टू सेंड अ स्टार्ट फ्रेम, ये एरर आ रहा है। ठीक है, जो कि मैंने ये मॉडल कई बार पहले अनलॉक किया है, किसी फ़ोन में भी ये तरीके का एरर नहीं आया है। लेकिन जब मैं ये फ़ोन, पता नहीं क्या है इसमें, बग्स है या लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है, इसमें ये रेड कलर का एरर आ रहा और नीचे में भी उसका, मतलब किरियन 655 का version 2 भी है, मैं उस पर जब अगर अनलॉक करूँ तो उसमें भी सेम एरर आ रहा, मतलब इसमें दूसरे तरीके का एरर आ रहा। तो एक बार मैं पोर्ट को डिसकनेक्ट करके फिर से दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। मैं आज अगर रिकनेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो पोर्ट हमने फिर से बनाया और फिर से version 2 पे इरेज FRP करता हूँ, मतलब version 1 पे भी एरर दे रहा है और version 2 पे भी एरर दे रहा है। आप यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ मैंने version 2 पे भी क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये सेम एरर जो पहले रहा है। तो भाई, तो हो सकता है ये फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट हो या पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ये अपडेटेड फ़ोन है उसी के कारण ऐसा हो रहा है। अनलॉक टूल से भी नहीं हुआ, एक और हमारा टूल था UMT का जो पेड वाला हॉनर वर्जन है, उससे भी मैंने किया था तो उससे भी एरर कर रहा था। जो कि मैंने हॉनर के कई सारे फ़ोन अनलॉक किए, किसी में भी एरर हमें देखने को नहीं मिला, ये पहला बार एरर मिला है। और मैं फास्ट फूड मोड में अगर इसका रीसेट FRP करने की बात करूँ, जैसा कि आप देख रहे हो हम फास्ट फूड मोड में गए हैं सेम मॉडल सेलेक्ट करके, और अगर मैं यहाँ से इरेज FRP करता हूँ तो आप देखना क्या दिक्कत मिल। तो पहले मैं फ़ोन को फास्ट फूड मोड में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको साइड में पिक दिख रहा होगा कि फ़ास्ट फूड मोड में फ़ोन कैसे कनेक्ट होता है। तो फास्ट फूड मोड कनेक्ट करने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके, और जब आप USB लगाओगे तो ये फ़ोन फास्ट फूड मोड में चला जाएगा। तो आप देखा फास्ट फूड मोड में जब कनेक्ट किया ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड वर्जन इसका 7 बता रहा है और इसका मॉडल नंबर बता रहा है जो BLN L22, और फास्ट फूड इसका जो बूट लोडर है लॉक्ड है और इरेज FRP ये फेल कर दिया। तो जो भी 2-3 मेथड थे हमने ट्राई किया, ये सारा फेल्ड कर दिया। और जब मैंने ISP से भी कर रहा था तो ISP से भी ये फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, रिटर्न कोड 20 का एरर आ रहा था। जो कि जो भी रिटर्न कोड 20 का एरर आपको पता है क्यों आता है, वो सब मैंने फिक्स करके देखा, फिर भी वो फ़ोन हमारा ISP से कनेक्ट नहीं हुआ और तब मुझे इसका MMC निकालना पड़ा। तो आप बोलो कि बाईपास क्यों नहीं किया, तो मैं बाईपास भी कर सकता था, बट उसका जो टच है ना, जैसे कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा ऊपर की साइड में, इसका टच भी काम नहीं कर रहा था, यानी कि टच भी नहीं काम कर रहा था, अनलॉक टूल भी फेल थे और ISP मेथड भी फेल था। तो इसलिए फाइनली मुझे लास्ट ऑप्शन मुझे एक ही दिखा कि वो है इस फ़ोन का ISP, मतलब सीधा सीधा MMC निकाल दूँ, क्योंकि ऑनलाइन अगर मैं करवाता फास्ट मोड में तो हो जाता, बट पैसे बहुत ज़्यादा लगते और कस्टमर उतना देने को रेडी नहीं था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ़ोन कनेक्टेड हो चुका है पूरा, इसका जो भी एंड्रॉयड सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जो भी पार्टीशंस है सारे यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, सीधा सीधा आपको यूजर एरिया पार्ट में जाना है और नीचे जाना है स्पेशल टास्क में और क्लियर FRP लॉक कर देना है। ये 1 सेकेंड का काम था, लेकिन 1 सेकेंड के काम के लिए हमें MMC को ही पूरा निकालना पड़ा। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये था कि अगर आपके पास सारा मेथड फेल हो जाता है तो आप इसके, आपके पास एक फाइनल सॉल्यूशन है कि आप सीधा MMC को निकालो और उसको काम करो। UFS फ़ोन है तो सीधा UFS को निकालें और उसको काम करें। तो हमने FRP रिमूव करके MMC इसमें फिक्स कर दिया है और फ़ोन को ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि अब FRP इसका निकला कि नहीं निकला। तो आप देख सकते हो कि इसका स्क्रीन ब्लैक हो चुका है और ऊपर में इसका टच भी वर्क नहीं कर रहा। तो आप थोड़ा सा, आपको मैं दिखा दूँ स्किप करके, पूरा ऑन होने देते हैं फ़ोन को।
तो अगर आपके पास भी कोई सा भी फ़ोन अगर आता है, अगर उसमें आपका ये मान लो यूएसबी नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना, कई बार यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड कर रहा आता है डीएमडीपी कोई लाइन शॉर्ट हो जाने की वजह से, और फ़ोन में बाईपास भी करने का कोई ऑप्शन ना हो, तो आप लास्ट ऑप्शन आईएसपी या फिर आईएसपी से भी काम नहीं बनता तो आप सीधा ईएमएमसी को निकाल के आप काम कर सकते हो। तो फ़ोन कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है, अब बस स्किप करके देखता हूँ कि एफआरपी इसके अंदर से निकला कि नहीं निकला। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप जो वीडियो को नए देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी करें अच्छा सा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको भी कोई टॉपिक पे कहीं आप फंस रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर मेरे पास वो फॉल्ट में जैसे ही फ़ोन आता है मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आपके मन में भी जो भी क्वेरी है, कोई भी ऐसा फॉल्ट है जो आप फंस रहे हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा 100% कि आपके लिए वो वीडियो मैं बना दूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए भी है अपने सब्सक्राइबर के कमेंट्स पे, तो आप भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके टॉपिक के ऊपर में वीडियो मैं बनाऊँगा। तो देख सकते हो एफआरपी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो कि अपडेट तो इसमें 1 नवंबर 2018 का ही था, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ। जो भी हो तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना।